आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कृष स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो कोटेशन है, ठीक है, आज का हम कोटेशन देखते हैं। सबसे पहले जय माँ सरस्वती, क्योंकि जो भी हम कार्य शुरू करें पढ़ाई से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इसलिए जय माँ सरस्वती की। और आज का कोटेशन है, लोग आपको सफल होने से ज़्यादा असफल होता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, लोग आपको सफल होने से ज़्यादा असफल होता हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी यह जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है दोस्तों, कि आप जो है सफल बने। तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों चलते हैं हम जो है अपनी गुरु डी की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। शास्त्रीय रूप जो हमें बताना है, इन चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो दोस्तों कौन सा है, दोस्तों मणिपुरी जो है शास्त्रीय रूप का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 56 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए इस क्वीन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ होगा। तो दोस्तों फ्रांस में होगा, ठीक है, इसमें फ्रांस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है उस क्वीन पनडुब्बियों का निर्माण करने के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है पांच देश आते हैं जिनको क्या है स्थायी रूप प्रदान किया गया है। उसके अंतर्गत दोस्तों इनमें से अगर कौन सा ऑप्शन गलत है, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, ऑस्ट्रेलिया को मान्यता नहीं दी गई है। इसका कहने का अर्थ है यूके यानी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कह लो या इंग्लैंड कह लीजिए, उसमें फ्रांस भी आता है और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका भी सम्मिलित है। दोस्तों पाँच देशों में एक जो दो देश और है वह कौन कौन है, इसके अंतर्गत दोस्तों एक देश है चीन और पांचवा देश जो है वह है रूस। ठीक है दोस्तों, रूस जो है इसके अंतर्गत है, यानी कि पांच जो है स्थायी सदस्य देश हैं। दोस्तों चलते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। ये चार जो दोस्तों दिए गए हैं पॉइंट, उनमें से हमें बताना है। तो दोस्तों कलवेलिया जो हुआ, बांग्ला, पंडवानी, यह तीनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चलते हैं, उसके बाद हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में, जो हमारे ओलंपिक खेल हैं उसमें हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता गया था। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को धोता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सऊदी अरब के किनारों को जो है धोता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है। तो पुराने श्याम प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को का नाम है का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय जो है स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। उसके बाद है म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, डी ऑप्शन राइट है, क्या इसकी मुद्रा है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका, सी वी रमन को 1928 ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1995 में हुई थी, पहले इसको क्या कहते थे, विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे चलते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, ठीक है, इंडिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी। तो दोस्तों आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट लेडी थी। दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए जो महिला से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे का है शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करें शार्क की, 1985 ईस्वी में स्थापना हुई। यदि बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है दोस्तों,
तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। उसके आगे चलते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, तो दोस्तों पहले फर्स्ट की बात की जा रही है तो इसका आंसर है त्रिग्वेली है, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि क्रिकेट कप टूर्नामेंट में, ठीक है, क्रिकेट का विश्व कप टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की क्रिकेट टीम के पास है? तो दोस्तों हमारी भारतीय टीम के पास जो यह रिकॉर्ड है, हमारे हमारी इंडिया की टीम के पास यह रिकॉर्ड है। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर का क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है देविका रानी है। दोस्तों 1969 में इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है, आला महारा जो है पहली टॉकी फिल्म है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, इसका संबंध है। उसके बाद है 75, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह है कहाँ पर है? इसका दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर है जो डी है, नीदरलैंड में है, हैग में स्थित है। उसके बाद दोस्तों है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है, नागालैंड की जो है राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2005 ईस्वी में जो है पारित किया गया। उसके बाद है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? एन के सिंह हैं। उसके बाद चलते हैं मोगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों जो मोगिया पत्तन है वह है श्रीलंका में स्थित है। तो दोस्तों यह जो हमारा वीडियो है, ठीक है, इसके अंतर्गत यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।